हेलो शाह। हेलो। हम सब जानते हैं कि साड़ी में इंडियन नारी कितनी खूबसूरत लगती है। चाहे वो शादी में साड़ी हो या मिस यूनिवर्स में इंडियन नारी हो, साड़ी हमारे देश की महिलाओं की शान है। लेकिन क्या आप जानते हैं साड़ी पहनने के बाद एक इंडियन नारी को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है? चलने में दिक्कत होती है, वॉशरूम जाने में दिक्कत होती है, साड़ी के नीचे की जो बॉर्डर होती है वो भी गीली हो जाती है। ये है एक पेटीकोट। ये हमारे बीच 500 साल से है, बट आज तक इसमें कोई भी इनोवेशन नहीं हुआ है। इसे बदलने के लिए मैं लाया हूं सायोनारा। सायोनारा एक इनोवेटिव और रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, जिसे औरतें जब वॉशरूम यूज करती है तब उन्हें उसका बेनिफिट मिले और उनकी लाइफ थोड़ी इजी होए। कमाल की सोच है। ओह माय गॉड। तो सायोनारा पेटीकोट के दो फायदे हैं। हाँ जी। एक, आपके हाथ फ्री रहते हैं। क्या? तो आप मोबाइल यूज कर सकते हो। महिलाएं जो ट्रेन में सफर करती हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए कुछ पकड़ना पड़ता है, तो वो कर सकती है व्हाइल रिलीविंग। तो शार्क, मेरे इस रेवोल्यूशनरी और इनोवेटिव प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए शार्क टैंक से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। मेरी आज सिर्फ 1 करोड़ है फॉर 10% इक्विटी। आपका नाम? मेरा नाम साहिल शाह है। मैं कोलकाता से हूँ। साहिल, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको इस मंच पे आके? थोड़ा नर्वस, थोड़ा एक्साइटेड। नर्वस बिल्कुल मत होइए, यहाँ पर बड़े फ्रेंडली शार्क्स बैठे हैं सारे, आपस में लड़ते हैं, आपसे नहीं लड़ेंगे। थोड़ा अपना बताइए अपने बारे में। मैं कोलकाता में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ, वहाँ कुछ साल मैंने काम किया, एंड देन मैं बैंगलोर एंड देन मुंबई में भी मैं काम कर रहा हूँ एज अ मार्केट रिसर्चर। मार्केट रिसर्चर, वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें मेरी आईपी है, मेरे आईपी पेंडिंग है। इसके लिए आपने पेटेंट फाइल करा हुआ है? यस। मतलब कोई औरत कहीं भी अगर ऐसे उठा के पकड़ के बैठ गई यूरिनेट करने, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे रॉयल्टी। इफ दे आर डिजाइनिंग लाइक दैट। हाँ। कोई औरत उठ गई अपने टेलर के पास भी, उसने कहा भाई टेलर साहब मेरे को ये तकलीफ है, आप यहाँ पे नाड़ा लगा के मैं ऐसे बैठ, क्योंकि देखिए दिमाग में उनको तकलीफ है तो आती होगी ये बात। यस। Yes. तो अगर वो बैठ गई और आपका पेटेंट ग्रांटेड है तो आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अगर कोई भी टेलर कर रहा है तो मेरे लिए तो अच्छा है ना कि उनकी उनको हेल्प हो रहा है। एंड आई वुड लाइक पीपल टू यूज इट। और भाई साहब, ये लोगो जो आपने लगाया है, डंडी दो जो निकल रही है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये एक पेटीकोट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? पेटीकोट इसी ट्रेपीजियम शेप की होती है ना? नहीं, वो क्या है? वो उसकी नाड़ा है। तो उसका कोई सिग्निफिकेंस है? पेटीकोट को हिंदी में साया बोला जाता है। अच्छा। सो उससे आया साया, एंड वो बिकॉज़ इसमें मैंने दो होल्स बनाए हैं, तो उसके बिहाफ पे वो आया। एंड नाड़ा मींस वेयर, बिकॉज़ मैंने एक स्ट्रिंग डाला है नीचे टू गेट द सपोर्ट, तो साया नाड़ा। कितने बेचे आपने ये? So, ये अभी प्रोटोटाइप स्टेज पे है, मैंने स्टार्ट नहीं किया बिकॉज़ आई कैन रेवेन्यू है। आप फ्री रेवेन्यू है क्योंकि मैं मूनलाइट नहीं कर सकता। आप तो टैंक पे आ गए हैं। आपका क्या व्यू है नमिता इस इनोवेशन के बारे में? तो ये प्रॉब्लम है, इसकी जरूरत है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि ये एपिसोड देख के बहुत सारे टेलर्स और बहुत सारे लेडीज ये बनाएंगे। तो आई थिंक बनाएंगे, लेकिन इनके पास से नहीं खरीदेंगे, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। लेकिन क्यों, इनसे क्यों नहीं खरीदेंगे? है, खुद बना देंगे, नहीं आसान है बनाना। बट इसमें बहुत सारे एफर्ट लगते हैं, यू नीड द स्ट्रिंग टू बने इतना। नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भी कॉपी कर सकता है। ऐसा क्या एफर्ट किया, खोल के दिखाओ। मैं आपको प्रोडक्ट्स लाके दिखाता हूं सबको, तो ज्यादा बेटर होगी। ओके, दिखाइए। ये जो स्ट्रिंग है ये इतना एफर्ट नहीं लगाएगा, टू गो टू अ दर्जी, हैव दिस डन। अरे बहुत आसान है ये लगाना, क्या बात कर रहे हो। देखिए मैं आपको बताती हूँ मैं इससे क्यों आउट हूँ। एक तो अब प्री रेवेन्यू है,
थोड़ा सा भी रेवेन्यू होता ना मैडम तो अंदर आ जाती। मैडम तो लगाने को तैयार बैठी। रेवेन्यू लेके आ जाएंगे मैम। इसमें सिर्फ दो चीजें हैं, एक तो इसमें एक होल है, स्लिट है, और ये जो है ना, ये जो टेनिस बैग सब रहते हैं इजीली मिलते हैं ये नाटक, तो ये भी बना देंगे, ये भी बना देंगे, तो आपका ये शो देख के बहुत लोग इंस्पायर होंगे। डोंट वरी, आपने भला काम कर दिया। मेरा डिसीजन बन गया, मैं भी अभी बाहर होना चाहूंगा। ये बहुत ही रिपीटेबल कॉपीबल आइडिया लग रहा है, बिजनेस मेरे को लगता नहीं इसमें बन सकता है, इसलिए आज मैं बाहर होना चाहूंगा। मैं इससे आउट हूं, कुछ और सोचो, दिस इज नॉट अ बिजनेस, कुछ और करना चाहिए ये, प्लीज आज के बाद इसके बारे में, बिजनेस के बारे में मत सोचना। थैंक यू। मैं इससे बाहर हूं, प्लीज आप अपना लोगो बदलिए, बाकी कुछ बदले ना बदले। ये आविष्कार तो जरूरी है, इसमें एक दुकान लगाई जा सकती है, यू नो, एक्सक्लूसिव स्पेशल मल्टीपर्पज वीआईपी पेटीकोट, जैसे इसका तीसरा यूज है, आप इसको ऐसे करके हाथ इसमें से डाल लें तो एक ड्रेस भी बन जाती है। तो ऐसे करके एक एक्सक्लूसिव आइटम आप बना सकते हैं। तीन यूज तो बन गए ऑलरेडी। हाँ, बहुत सारे यूज हो सकते हैं। तो बिजनेस शायद बन सकता है, लेकिन इन्वेस्टेबल बिजनेस मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। मुझे नहीं लगता है आपके पैटेंट से कुछ होने वाला है भाई, ये आप कोर्ट में मारे मारे फिरोगे, जज भी हंसेगा। आप कैसे रोकोगे औरत को? तो इस वजह से मैं आउट हूँ। आपसे मिलके अच्छा लगा, आप आगे सोचिएगा, अच्छा फीडबैक आपको सबसे मिलना है सारे शार्क से। थैंक यू। चलो भाई, सायोनारा। सायोनारा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये ड्रेस वाला आइडिया इज एक्चुअली ब्राइट। आई एम टेलिंग यू, ओह माय गॉड, इट्स एक्चुअली ब्राइट। लेट मी ट्राई इट, इट्स अ ट्यूब ड्रेस, आई एम टेलिंग यू। ये देखो डेमो। ओए पीयूष, ये देख ड्रेस, ये देख ड्रेस बन गया। ऐसे बनता है ड्रेस। Thank you.